ओ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर फिफ्टीन ऑफ द सी आर आई विच डील्स विदीशन फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन बताना है प्रोसीजर विच इज़ फॉलोड बाय द एन सी एल टी ऑन दिस एप्लीकेशन बाई द फाइनेंशियल क्रिएटर फॉर द इनिशिएशन ऑफ द कॉरपोरेट इंसॉलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सेक्शन नंबर सेवन हम जानते हैं सेक्शन नंबर सेवन ऑफ द इंसोलमेंसी बैंक कोड आई बी टू थाउजेंड सिक्सटीन डील विद द अलाउ करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर को कि वो कॉर्पोरेट इंसोलमेंसी सी आर पे प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है बिफोर द एन सी एल टी कर सकता है नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑन द इवेंट्स ऑफ द डिफॉल्ट सेल्फ वो खुद से या फिर जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है किसके पास एन सी एल टी के पास फॉर द इनिशिएशन ऑफ़ द कॉरपोरेट इंसोल्वेंसी प्रोसेस नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल सबमिट फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन सबमिट करेगा बिफोर द एजुटकेटिंग अथॉरिटी एंड एप्लीकेशन के साथ एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट भी सबमिट करेगा एंड नेम ऑफ द आई आर पी एंट्री में रिजोलेशन प्रोफेशन का नेम भी प्रपोज करेगा बिफोर द एन सी एल टी नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द रिसीविंग एप्लीकेशन जैसे एन सी एल टी के पास एप्लीकेशन रिसीट होती है एन सी एल टी के पास फोर्टीन डेज का टाइम होता है विच इज़ द डायरेक्टरी नॉट अ मैंडेटरी And CLT have a 15 or uh, 14 days time on the receipt for application and ascertain the existence of default default actual me by the verifying the information from the from the information available with the information utility and on the basis of the other evidence. Next path, next adjudicating authority on being satisfied that the default has has been committed and application has committed application is complete and there is no deception proceeding against the uh, रिजोल्यूशन प्रोफेशन इज पेंडिंग इन सच केस एन सी एल टी विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन जैसे ही एन सी एल टी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जिस डे को एन सी एल टी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया दैट डे वॉल एज इंसॉलमेंसी कमेंसमेंट डेट मेरे एजुकेटिंग अथॉरिटी एन सी 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 एल टी सेटिसफाइड द नॉट मिन एन टी को लगता है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर कोई पेंडिंग आ, है डिसिप्लिन प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट प्रपोज रजिस्ट्रेशन प्रोफेशन के अगेंस्ट उसके इसमें एन सी एल टी क्या करेगा उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा नेक्स्ट बात करते हैं एजु एन सी एल टी शल बिफोर द रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते करने से पहले एन सी एल टी में गिव सात दिन का नोटिस दिया जाएगा कि आप एप्लीकेशन आप को दोबारा से रेक्टीफाई करके सबमिट कर सकते हो एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी जैसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है तो सेवन डेज के अंदर अंदर कॉम्युनिकेट करता है किसको कॉरपोरेट एटर को भी एंड क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक्स लिमिटेड एक एक्स लिमिटेड एक कॉर्पोरेट डेटर है जिस जो कि जिसको पे करना जिसको पे करना बाकी है वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड कोई एक्स लिमिटेड पे करेगा किसको वाई तो, तो 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 लिमिटेड को मतलब एक्स लिमिटेड कौन हो गया यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर एंड वाई लिमिटेड हो गया फाइनेंशियल क्रेडेटर्स हंड्रेड लाख का अमाउंट पे करना है एज अनसिक्योर्ड लोन ठीक है एंड थर्टी फाइव लाख का भी अमाउंट पे करना है एज अ रॉ मटेरियल ठीक है तो वाई वाई लिमिटेड एज अ फाइनेंशियल क्रेडेटर भी हो गया फाइनेंशियल क्रेडेटर एंड वाई लिमिटेड एज अ ऑपरेशन का भी हो गया एंड इस क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना है स्टेटस ऑफ द वाई लिमिटेड वाई लिमिटेड का स्टेटस डिटरमाइन करना है एंड स्टेट द स्टेट द स्टेटस अंडर द वाई लिमिटेड कैन मेक एन रिप्रेजेंटेशन ऑन द विस कमेटी एज़ पर आई बी सी को टू थाउजेंड सिक्सटीन बताता है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी डिफॉल्ट किया इन सच केस कॉर्पोरेट कॉरपोरेट डेटर के अगेंस्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड कॉरपोरेट डेटर में इनिशिएट द सी आर भी इनिशिएट कर सकती है कॉरपोरेटियल प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल क्रिएटर देन डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन क्रिएटर्स के बारे में फाइनेंशियल क्रिएटर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसको uh, फ़ाइनेंशियल डेट पे करना बाकी है जिसको फाइनेंशियल डेट पे करेगी कौन पे करेगा कॉर्पोरेट डेटर पे करेगा ऐसे पर्सन को हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बोलेंगे एंड इंक्लूड अ पर्सन ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अपना फाइनेंशियल डेट जो है इसी को लीगली असाइन कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है हम फाइनेंशियल डेट में डेट विद इंटरेस्ट इंक्लूड होता है ठीक है नेक्स्ट है ऑपरेशन करिएटर मीनस अ पर्सन टू होम ऑपरेशन डेट जिसको ऑपरेशन डेट पे करना है जिस ऐसे पर्सन को हमें ऑपरेशन डेट पे करना है मतलब फाइनेश ऑपरेशन कारपोरेट डेटर जो है ऑपरेशन करिएटर उसको ऑपरेशन डेट पे करेगा एंड इट इंक्लूड एनी पर्सन टू होम सच डेट हैज बिन लीगली असाइन ट्रांसफर्ड ठीक है सप्लायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू एनी कंपनी विच इंक्लूड ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन करिएटर नेक्स्ट बात करते हैं इन गिवन केस लिमिटेड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल क्रिएटर्स एंड ऑपरेशनल क्रिएटर्स के थ्रू भी क्लासीफाई कर सकते हैं दस लिमिटेड शेल भी इंक्लूडेड एज अ कम्यूनिटी ऑफ क्रिएटर्स भी इंक्लूड किया जाएगा उसको एंड उसको वोटिंग राइट right भी दिया जाएगा इन ऑफ देयर डेट एंड टू एक्सटेंट ऑफ देयर फाइनेंशियल डेट एंड दस देंशियल वाई लिमिटेडर्ड एज अ फाइनेंशियल क्रिएटर नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्ट नेक्स्ट है परफेक्ट पॉलिस्टर लिमिटेड इज एक अंडर एक कंपनी है जो कि अभी सी में चल रही है एज पर द आई बी सी टू सिक्सटीन एंड कमिटी ऑफ सी ओ सी कॉन्स्टिट्यूट रोई इन द मेन टाइम दटर कॉरपोरेट डटर ने क्या किया सेटलमेंट कर लिया किसके साथ फाइनेंशियल क्रेडेट के साथ सेटलमेंट कर लिया उन्होंने सेटलमेंट विद सेटलमेंट विद द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड डिजायर टू गेट एप्लीकेशन ठीक है कॉर्पोरेट डेटर ने क्या कर लिया सेटलमेंट कर लिया किसके साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ और उन और साथ में ही उन्होंने एप्लीकेशन दिया किसके लिए कि विड्रॉ करने के लिए कि हमें ये जो सी आर पी चल रहा है हमारे आगे इसको विड्रॉ किया जाए ठीक है तो क्या क्या एडवाइस सिक्योर एडवाइस सबसे पहले बात करते हैं आई बी सी टू थाउजेंड सिक्सटीन प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट बेस्ड टेस्ट टू इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अगर आपको इनिशिएट करवाना है उसके लिए आपका डिफॉल्ट होना चाहिए एनसर डिफॉल्ट बेस्ड ऑन द टेस्ट परमिट्स अर्ली इंटरवेंशन नेक्स्ट बात करें सेक्शन नंबर सेवनटीन सेक्शन सेवन ऑफ द आई वी सी टू थाउजेंड सिक्सटीन बताता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड एप्लीकेशन दे बिफोर द एन इनिशिएट करवा सकते हैं कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसीजन प्रोसेस एंड वे द एजुकेटिंग अथॉरिटी मीज एनसी एप्लीकेशन को एडमिट करता है तो उस डे को बोल देंगे कमेंसमेंट डेट इंसोलवेंसी कमेंसमेंट डेट कमेंसमेंट डेट एंड एज पर द न्यू सेक्शन सेक्शन ट्वेल्व ए ऑफ़ द इंसॉलेंस इन बैंक्रप्सी कोड सेकंड इंसॉलेंसी इन बैक्रप्सी कोड विच डील्स टील्स विद्यूटे अथॉरिटी में अलाउ द वि अगर आपको विड्रॉ करना है सी की प्रोसेस को विड्रॉ करना है तो फाइन क्रेडिटर्स बाय द नाइन्टी परसेंट वोट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय द नाइन्टी परसेंट वोट वोटिंग शेयर एप्लीकेशन दे सकते हैं बिफोर द इन्सेटिव फॉर द withdrawal ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस conclusion ये निकलता है कि कॉरपोरेटर को अगर विडड्रो करवाना है कॉरपोरेटेटर ने फाइनेंशियल क्रेडिट का सेटलमेंट किया अब वो चाहता है कि ये एप्लीकेशन क्या विट्रो हो जाए विड्रो हो जाए सी आर पी के लिए तो कॉरपोरेटर को सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को बताना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल जो मैटर है वो सी ओ सी के पास रखी जाएगी एंड सी ओ सी, सी विद इन सेवन डेज अप्रूव करेगा उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको ट्राइब्यूनल का भी अप्रूवल चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं जैसे सर्टन पर्सन हु आर नॉट एंड इसमें बताया कि कौन कौन से पर्सन जो हैं वो सी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकती ठीक है सबसे पहले बताया कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मीन प्रोसेस इसमें फाइनेंशियल द डेटर्स की एसिसबिलिटी चेक करते हैं एंड एन ऑप्शन टू रिवाइव इट्स रिवाइवल एंड टूल रिहेबिल आई बी सी टू थाउजेंड सिक्सटीन देर इज एन वेर एंड अगर किसी कॉरपोरेट डेटर ने कोई डिफॉल्ट किया है इन सच केस उस कॉरपोरेटेक्टर के फाइनेंशियल क्रिएटर या फिर ऑपरेशन कैटी या फिर खुद ऑपरेशन कॉरपोरेटेक्टर खुद इट क्या कर सकता है इनिशिएट कर सकता है कॉरपोरेट सोल्यूशन प्रोसेस एंड इन सच केस कौन कौन से पर्सन है फाइनेंशियल क्रिएटर ऑपरेशन कैटरी कॉर्पोरेटेटर ये सच पर्सन क्या कर सकते हैं सी आई आर पी प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर इलेवन बात करता है कि कौन कौन सा पर्सन जो है एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर द इनिशिएशन ऑफ द सी आई आर पी बिफोर द एन सी एल टी एनी कॉर्पोरेट डाटर जिसका ऑलरेडी सी आई आर पी चल रहा है या फिर ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट डाटर जिसका लास्ट ट्वेल्व मंथ में एप्लीकेशन देने से लास्ट ट्वेल्व मंथ में सी आई आर पी कम्प्लीट हुआ है या फिर ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट पर्सन और फाइनेंशियल कैरेक्टर्स हुए द टर्म ऑफ रिजोलूशन प्लान को जिसने वाइलेट किया है विच हैव बीन अप्रूव्ड द ट मंथ बिफोर द प्रोसीडिंग एंड या तो ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट एडर जिसका ऑलरेडी लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है वो कॉर्पोरेट एडर भी सी आर पी के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता मतलब तो ये कुछ चार लोग हैं जो सी आर पी के लिए एप्लीकेशन बिफोर द एन सी एल टी सबमिट नहीं कर सकते नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजलेशन प्रोसेस के टाइम में कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं उसका पूरा टाइमलाइन एक प्रोसेस बताना है फॉलोइंग दर द स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द सी आई आर सबसे पहले कि कॉर्पोरेट डिफॉल्ट होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का एंड उसके डिफॉल्ट होने के बाद सेक्शन सेवन में फाइनेंशियल करिएटर एंड सेक्शन एट में ऑपरेशन करिएटर एंड सेक्शन टेन में कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन दे सकते हैं बिफोर द एन सी एल टी फॉर द इनिशिएशन ऑफ द सी सी आई आर पी नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल करिएटर में अप्लाई टू एन सी एल टी को अप्लाई करेंगे अप्लाई करेंगे एंड इमीडिएटली अपॉन द डिफ़ॉल्ट जैसे डिफ़ॉल्ट हो इमीडिएटली फाइनेंशियल करटर अप्लाई कर सकते हैं बट हमने देखा कि फाइनेंशियल करटर इमीडिएटली एन सी एल के पास अपलाई कर सकते हैं बट अगर ऑपरेशन करिएटर उसको अप्लाई करना है तो वो इमीडिएटली नहीं कर सकता उसके लिए पहले सबसे पहले उसको कॉरपोरेट डेटर को कॉरपोरेट डेटर को नोटिस देना पड़ेगा कि आपने पेमेंट नहीं किया एंड नोटिस के टेन डेज तक वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही वो एप्लीकेशन दे सकता है किसको एन को ठीक है Operation creditor has to send the demand notice to corporate debtor and after the ten days from the uh, of the demand notice, the operation credit shall, shall apply to the NCLT. Next part, the financial credit operation creator and corporate debtor shall propose the name. साथ में वो एप्लीकेशन देंगे ना एप्लीकेशन के साथ साथ इंसॉल इन्सौल, इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेट प्रोफेशनल का नाम भी देंगे फॉर द सी आर बी एन सी एल टी विदिन फोटीन डेज फोर्टीन डेज के अंदर अंदर या तो एडमिट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन को अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो साथ में एक नोटिस भी देगा एन सी एल टी की आप अपने एप्लीकेशन को रैक्टिफाई करो एंड सेवन डेज का टाइम भी दिया जाएगा फिर अगर एन सी एल टी एडमिट करता है एप्लीकेशन को एंड जैसे ही एडमिट करता है एप्लीकेशन को एन ऑर्डर को देगा मॉरेटोरियम का एज वेल एज अपॉइंट करेगा इंट्रीम रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रीम रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल जैसे ही अपॉइंट होगा वो पब्लिक अनाउंसमेंट देगा एंड पब्लिक अनाउंसमेंट में बताएगा कि कंपनी के के अगेंस्ट में सी आर पी स्टार्ट हो चुका है एंड जिस जिसको अपना क्लेम सबमिट करना हो क्लेम सबमिट करने की लास्ट डेट एंड सी आर पी कब से स्टार्ट हुई सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में सबमिट करेगा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड एक लोकल न्यूज़पेपर रीजनल न्यूज़पेपर ठीक है नॉट ले जैसे ही अपॉइंट हो उसके तीन दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉमेसन लाइक नेम ऑफ़ द अथॉरिटी जहाँ पे उसका इनिशिएशन हुआ है कॉरपोरेट इंसॉलमेंट जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम सीआरपी कब क्लोज हो गई दिस इंफॉमेशन हैज टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर जैसे ही इंसॉलेंसी कमेंसमेंट डेट मतलब जैसे ही अप्लीकेशन uh, एक्सेप्ट हुआ एडमिशन हुआ उस उस डेट क्या बोलते हैं इन्सोलवेंसी कमेंसमेंट डेट एंड उस डेटसिक uh, जो एप प्रोसीडिंग है सी आर पी की जो प्रोसेस है वो वन एटी डेज మే కంప్లీట్ ఫ్రూనెసీ ప్లస్ 90 డేస్ వన్ టైం ఎక్స్టెన్షన్ హే విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ది एनसीఎల్టి ఓన్లీ వన్ టైం ఎక్స్టెన్షన్ హే మీన్స్ ఆప్కా జో అప్లికేషన్ హే వో 330 డేస్ మే కంప్లీట్ హో జానా చహీ नेक्स्ट बात करते हैं जैसे ही आई पी अपॉइंट होगा और दो तीन दिन के अंदर अंदर उसको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है उसके बाद उसको सी ओ सी में बनाना है एंड सी ओ सी विद द फाइनेंशियल क्रेटस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोफेशन क्या करेगा मैनेज करेगा अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट कॉरपोरेट एज अ गोइंग कंसर्न मैनेज करेगा एंड सपोर्ट करेगा सी ओ सी को एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एन सी एल डी के सुपरविजन और जो भी जो डिसीजन होंगे वो नॉट लेसन सिक्सटी सिक्स परसेंट वोट इन मेजोरिटी के थ्रू लिए जाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं रेजिटेशन प्रोफेशन इन्वाइट करेगा रिजोलेशन प्लान्स फ्रॉम द रिजोल्यूशन अप्लीकेंट्स जितने भी रिजोलूशन एप्लीकेंट से रिजोलूशन प्लान इन्वाइट करेगा रेजोलेशन एप्लीकेंट मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो कि सबमिट करता है रेजोलूशन प्लान उसको क्या बोलेंगे रिजोलूशन एप्लीकेंट बोलेंगे उस प्लान में जो भी प्लान सबमिट करेगा उस प्लान को सबसे पहले तो सी uh, ओ के पास लेके जाया जाएगा सी उस प्लान को, को अप्रूव करेगा देन सेम प्लान को बिफोर द एन रखा जाएगा एन फिर उस प्लान को अप्रूव करेगा सबसे सब पहले क्रेडिस के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा बाई दिक्सटी सिक्स परसेंट वोट इन मेजोरिटी प्रोफेशन से सबमिट द अप्रूव द रज प्लान टू द एन सी एल टी एन शल भी अप्रूव और एन सी एल टी उस प्लान को अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा या फिर फिर का ऑर्डर भी दे सकता है देन द अप्रूव प्लान शल बी बाइंडिंग ऑन जो भी अप्रूव प्लान होगा एन सी एल टी ने जो भी प्लान अप्रूव किया होगा शल बी बाइंडिंग ऑन द कॉर्पोरेट डेटर कार्पोरेटर पर बाइंडिंग हो उसके इंप्लॉई मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स के ऊपर एंड गारंटर के ऊपर एंड अदर स्टेक होल्डर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा मॉरेटोरियम पीरियड एंड हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल जैसे रजिस्ट्रेशन प्लान एन ने अप्रूव किया उस डे से जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो एंड हो जाएगा अपील भी आप कर सकते हो अगर एन सी एल टी के ऑर्डर से सेटिसफाई नहीं हो तो थर्टी डेज के अंदर अंदर आप एन सी एल टी एंड क्लैट में अपील कर सकते हो ट्रैबल क्या करेगा ऑर्डर कर सकता है जो एन सी एल टी है वो ऑर्डर कर सकता है लिक्विडेशन इन टू सरकम इन फॉलोइंग सरकम चार्ज अगर एन सी एल टी को कोई रज प्लान रिसीव ही नहीं हुआ ठीक है नॉट रिसीव रेजोल्यूशन प्लान या फिर एन सी ने रिजेक्ट कर दिया रेजोलूशन प्लान फॉर द नॉन कम्प्लायस ऑफ द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट इन सच केस या फिर डूरिंग दी आई आर पी कमेटी ऑफ क्रिय ने डिसाइड किया कि वो कॉरपोरेटर का लिक्विडेशन करवाना चाहते हैं एंड सिक्सटी सिक्स परसेंट वोट इन मेजोरिटी ने अप्प्लीकेशन नहीं एन सी एल टी के पास कि हम का लिक्विडेशन करवाना चाहते हैं या फिर रेजोल्यूशन प्लान एन सी ने अप्रूव किया इस कॉन्ट्रीबिन वाई कॉर्पोरेटर ने उसको कॉन्ट्रीब्यून किया इन फोर सरकमस्टांसिस में इन फोर सरकमस्टांसिस में जो टर्मिनल है वो लिक्विडेशन का ऑर्डर दे सकता है दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर थैंक यू ऑल ऑफ यू